नमस्ते, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम कोडेड इनइक्वालिटी की बात करेंगे जो आपको 5 नंबर पूरे पूरे दिलाएगा। आप जैसा देख रहे होंगे थंबनेल में कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग मैजिक बॉक्स और ब्लड रिलेशन से रिलेट करके करेंगे। भी आप लोगों के कॉमेंट्स की वजह से हम लोग ये टॉपिक शुरू कर पा रहे हैं। आप देखो, हम लोग देखते हैं, पहले कुछ बेसिक बातें आप समझ लोगे। ये जो मैजिक बॉक्स है, जादुई बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं। बहुत कुछ हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी लगभग आप देखोगे तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और यहाँ से 3 to 5 marks मिलते ही हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना है और ये एक पूरी क्लास आपको 5 नंबर दिलाएगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर मैजिक बॉक्स में हमें क्या समझना है, आप देखो कुछ बेसिक बातें आप समझ लो ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओ। देखिए, मैजिक बॉक्स में क्या है कि जैसा कि हम समझते हैं कि किसी भी 2 एलिमेंट को कंपैरिजन करने के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 2 एलिमेंट को कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर जो है 3 सिंबल की ज़रूरत होती है। आप देखो, जैसे हम ए और बी के बीच की बात करें, अगर हम ए और बी के बीच की बात करें तो हमने आपको बताया था ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब आप देखो, इन्हीं से कुछ और साइन बनाते हैं, इससे मिला करके हम ग्रेटर और इक्वल बनाएंगे और इसको मिला करके स्मॉलर और इक्वल बनाएंगे। ये मेन 5 साइन होते हैं, इन्हीं 5ों को हम फिक्स कर देते हैं एक बॉक्स के ऊपर। आप देखो किस तरीके से बॉक्स के ऊपर हम फिक्स करते हैं, ठीक है। एक हमने बॉक्स बनाया जिसको हम लोग जादुई बॉक्स बोल रहे हैं, राइट। तो आप यहां पर देखो, ग्रेटर को यहां हमेशा फिक्स कर देना है, हमेशा के लिए फिक्स कर देना। हमेशा के लिए मतलब कोई भी क्वेश्चन आए आप ग्रेटर को उधर फिक्स करोगे, ठीक। उसके अपोजिट में स्मॉलर को फिक्स करोगे, राइट। अब आप देखो, ये जो ग्रेटर और इक्वल है उसको आप इधर फिक्स करोगे, स्मॉलर और इक्वल को आप इधर फिक्स करोगे। हमेशा के लिए इनको ऐसे ही फिक्स करना है और जो इक्वल है उसको इधर फिक्स करना है, ठीक। अब यहां पर समझिए कि हम यहां पर कुछ ब्लड रिलेशन की बात करने वाले हैं ताकि आप आराम से समझ पाए। अब हमने कहा कि भाई देखो, ये आप हो, ये कौन है, ये आप हो, ठीक, और ये दादाजी हैं आपके। कौन है? दादाजी हैं। देखो ये कौन है, ये दादाजी होंगे, ये हैं दादाजी, राइट, और ये हैं पिताजी। ये कौन है? पिताजी यानी फादर, राइट। और आप समझो, इधर यहां पर आप हो, आपके ऊपर आपके दादाजी और पिताजी होंगे, आपके नीचे यहां पर नाना जी होंगे। कौन होगा? नाना जी। और ये माता जी होंगी। कौन होंगी? माता जी। अभी जरा आप फैमिली ट्री को समझिए। आप समझिएगा कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिलेशन है, एक फादर के साइड में होता है और एक मदर के साइड में होता है, जिसको आप मैटरनल और पैटरनल बोलते हो। फादर के साइड में को हम लोग पैटर्नल बोलते हैं, मदर के साइड को हम लोग मैटर्नल बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो स्पाउस का रिलेशन होता है वो कोई एक जनरेशन का रिलेशन नहीं है, वो ध्यान रखिएगा दो फैमिली का रिलेशन है। तो दो फैमिली का रिलेशन है मतलब वहाँ पर ब्लड का रिलेशन नहीं होता है। अब वहाँ पर ब्लड का रिलेशन नहीं है, आप जरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपका जो ब्लड का रिलेशन है वो पिताजी, पिताजी से दादाजी, राइट, यानी दादाजी से पिताजी, पिताजी से आप, और एक दूसरी तरफ से भी होता है नाना जी और फिर माता जी और फिर आप, राइट। तो आप यहां पर समझिएगा कि ब्लड का रिलेशन आपका दो तरफ से है, राइट, एक मदर के साइड से और फादर के साइड से। अब इसका मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि यहां पर आप दोनों तरफ रहते हो, मतलब आप दादाजी की भी तरफ रहोगे और माता जी की भी तरफ रहोगे। देखो मैं यहां पर ये जो बना रहा हूं इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ये जो हमने बना दिया, राइट। अब यहां पर हमें ये समझना है कि जो रिलेशन बनेगा, जो रिलेशन होगा यहां पर इनइक्वालिटी में, वहां यहां पर रिलेशन जो होगा वो इन तीनों के बीच में बनेगा। यानी जब आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन इन तीनों के बीच में हो सकता है और कंपैरिजन इन तीनों के बीच में भी हो सकता है, राइट।
कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, नाना जी और दादा जी का कंपैरिजन नहीं होगा, राइट। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इन दोनों का कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होगा, इन दोनों का कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट के बीच में दादाजी और नानाजी आएंगे, मतलब ये देखो अपोजिट हैं एक दूसरे के, दादाजी नानाजी आएंगे, ब्लड का रिलेशन नहीं मिलेगा, हम कहेंगे कि उसके बीच में कंक्लूजन में कुछ भी पूछा जाएगा वो हमेशा फॉल्स होगा। ठीक वही चीज पिताजी और माताजी में भी होगा, ये भी अपोजिट साइन आ रहा है, राइट। तो यहां पर भी हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, दादाजी माताजी का होगा तब भी फॉल्स माना जाएगा, पिताजी और नाना जी का होगा तब भी फॉल्स माना जाएगा। आप एग्जांपल जरा समझ लो तो ज्यादा अच्छे समझ जाओगे। जैसे मान लो आपको दिया गया कि ए इज ग्रेटर दैन बी और स्मॉलर सी, राइट। अब ये स्टेटमेंट है, आप यहां पर देखोगे कि हमने दादाजी और नाना जी को दोनों लोगों को रखा है, यहां पर दोनों लोगों को यहां पर हमने रखा है। अब हम कंक्लूजन में अगर पूछें कि ए इज ग्रेटर दैन सी, तो नहीं, इन दोनों में कोई ग्रेटर नहीं है, राइट। अब यहां पर रिलेशन नहीं है, यहां पर क्या होगा, यहां पर नो रिलेशन आएगा, क्या आएगा, नो रिलेशन। अब नो रिलेशन की कंडीशन में कंक्लूजन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो हमने आपको क्या बताया, दादाजी और नानाजी दो एलिमेंट के बीच में आएंगे तो वहां पर नो रिलेशन होगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। दादाजी माताजी होंगी तब भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नो रिलेशन वाला बनेगा। अब जैसे मैं कहूं कि ए ग्रेटर बी स्मॉलर और इक्वल सी, अब देखो यहां पर कौन है, दादाजी, ये कौन है, माताजी। अब कंक्लूजन में अगर हमसे पूछा जाए, ये स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन में पूछा जाए ए इज ग्रेटर दैन सी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि रिलेशन नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये समझना है किनके किनके बीच में नो रिलेशन होगा, उनको हम फॉल्स करेंगे। तो दादाजी नानाजी, दादाजी माताजी, पिताजी नानाजी और पिताजी माताजी, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, नो रिलेशन होगा। अब आपको यही समझना है, हमेशा यहां पर कंक्लूजन किस में बनता है, इन तीनों में बनेगा। अगर मान लो कि इन तीनों में हमने स्टेटमेंट एक लिया, हमने कहा कि ए इज ग्रेटर दैन बी, ग्रेटर और इक्वल टू सी एंड इक्वल टू डी, तो कंक्लूजन के अंदर ए इज ग्रेटर दैन डी ऑलवेज ट्रू होगा, राइट। इन तीनों में हम प्रियोरिटी किसको देंगे, जनरेशन में ऊपर कौन है, दादाजी, तो प्रियोरिटी हम किसको देंगे, दादाजी को। इन तीनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तो नाना जी को, क्योंकि इन तीनों में जनरेशन में ऊपर कौन है, तो नाना जी, राइट। और ध्यान रखिए, अगर मान लो दादाजी नहीं हुए तो पिताजी और आप में, अब जनरेशन में ऊपर कौन है, पिताजी, तो प्रायोरिटी उनको देंगे। तो यहां पर भी देखो हमने प्रायोरिटी किसको दिया है, हमने प्रायोरिटी किसको दिया, हमने यहां पर प्रायोरिटी दादाजी को दिया। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये चीजें सीखी थी, राइट। तो अभी अभी हमने एकदम बिल्कुल क्लियर कर लिया है, एक रिवीजन भी हो गया। अब इसी का यूज हम कोडेड इनइक्वालिटी में करेंगे, कैसे करेंगे ये समझो आप। ये जो सिंबल है वो तो फिक्स है, कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर होता क्या है, इन्हीं सिंबल्स का कोड कर दिया जाता है। वो कहेगा कि भाई ए, अब वो कहेगा ए एट द रेट बी मीन्स ए इज ग्रेटर दैन बी, तो यानी एट द रेट का कोड किस पर कर दिया जाएगा, यहां पर ये सिंबल का कोड किस पर कर दिया जाएगा, एट द रेट पर। तो हमें क्या करना है, डिकोड करना है। अगर आप डिकोड नहीं करोगे तो सीधे सीधे यहां पर सिंबल लिखोगे, ये जो भी सिंबल लिखे गए हैं उनकी जगह पर हम उस सिंबल को रिप्लेस कर देंगे जिससे इनका कोड किया जाएगा। अब चलो हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में कि यहां पर हम किस तरीके से इनको डिकोड कर रहे होंगे, राइट। तो देखो आप, सिंपल, हमें वो मैजिक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, मैजिक बॉक्स। आपको पहले से पता है, मैं एक बार लिख देता हूं, पहली बार यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर कौन आएगा, तो भाई यहां पर ग्रेटर आएगा, उसके नीचे कौन है, स्मॉलर है, यहां कौन है, ग्रेटर इक्वल है, यहां कौन है, स्मॉलर इक्वल है, यहां कौन होगा, स्मॉलर इक्वल होगा। देखो आप, यहां पर कौन होगा, स्मॉलर इक्वल होगा, और यहां पर इक्वल है। तो बट हमें करना क्या है, बेसिकली यहां पर ये ना लिख करके हमें सीधे सीधे वो सिंबल लिखने हैं। बट पहली बार अभी कर रहे हो तो मैं एक बार लिख देता हूं, राइट। बट देखो यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि P has Q means P is not smaller than Q। अब ध्यान रखना, ये तीन साइन होते हैं, ये तीन साइन होते हैं। अब इसने बोल दिया भाई नॉट स्मॉलर, अब नॉट स्मॉलर का क्या मतलब है, भाई ये कह रहा है कि नॉट स्मॉलर, इसका मतलब क्या है, इधर ग्रेटर और इक्वल।
अब ग्रेटर और इक्वल को हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर और इक्वल को हम ऐसे लिखते हैं, इसने बोला है नॉट स्मॉलर, राइट। ग्रेटर और इक्वल को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब इस प्लेस पर हम किसको प्लेस करेंगे, तो इस प्लेस पर हम प्लेस कर देंगे किसको, हैज को प्लेस कर देंगे, राइट। तो हमने यहां पर किसको प्लेस कर दिया, हैज टैग को प्लेस कर दिया, ठीक है, हमने किसको प्लेस कर दिया, हैज टैग को प्लेस कर दिया। अब देखो आगे क्या देखना है कि यहां पर परसेंटेज का क्या दिया है, कह रहा है पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज नीदर लेस नॉर इक्वल। अब कह रहा है नीदर लेस नॉर इक्वल, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर है। तो अब ग्रेटर के प्लेस पर आप किसको प्लेस करोगे, आप करोगे परसेंटेज पर, तो ग्रेटर तो भाई यही है, तो यहां आपने किसको प्लेस कर दिया, यहां आपने परसेंटेज को प्लेस कर दिया। अब देखिए यहां पर डॉलर पर आ जाओ, यहां पर कह रहा कि पी इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। अब देखो ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, छोटा है, छोटा देखो यहां है, इसका मतलब आप डॉलर को यहां प्लेस करोगे, डॉलर को कहां प्लेस करोगे, इधर आपने प्लेस कर दिया। आगे कह रहा है एट द रेट, यहां पर देखो एट द रेट मीन्स पी, एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नीदर बिगर नॉर स्मॉलर दैन क्यू। अब देखो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, भाई ना ही बड़ा है ना ही छोटा, इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो बराबर पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एट द रेट, राइट, यहां पर कौन आएगा, एट द रेट। फिर आगे देखो, आगे यहां पर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कॉपीराइट की बात कर रहा है, कह रहा है कि पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर दैन क्यू, पी इज नॉट ग्रेटर दैन क्यू। अब कह रहा है भाई देखो बड़ा नहीं, इसका मतलब छोटा या बराबर होगा, तो हमें कॉपीराइट को कहां प्लेस करना है, हमें कॉपीराइट को यहां प्लेस कर देना है। अब सिंपल आप समझो कि ये वाले सिंबल हमें नहीं लिखने हैं, फिर भी हमने इसमें अभी लिखा हुआ है, तो हमने यहां परसेंटेज लिखा, यहां हैशटैग लिखा, यहां एट द रेट है, यहां डॉलर है, यहां कॉपीराइट है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पर, अब हम किस पर आएंगे, क्वेश्चन पर। देखो आप, अब हमें क्वेश्चन पर आना है, इस क्वेश्चन पर आना है, अब क्वेश्चन पर आना है, मैं यहां पर भी उसको प्लेस कर देता हूं ताकि आप आराम से कर पाओ। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिखे हुए थे, परसेंटेज हैश एट द रेट, देखो यहां पर परसेंटेज था, हैशटैग था, यहां पर एट द रेट था, राइट, यहां पर एट द रेट था, परसेंटेज हैज एट द रेट, ठीक है, डॉलर और कॉपीराइट, यहां पर डॉलर और यहां पर कॉपीराइट, राइट। तो ये हमने प्लेस कर दिया। अब देखो यहां पर हमने वो सिंबल नहीं लिखा है, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल ये नहीं लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। आप कहो तो मैं इधर लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर ग्रेटर होगा और उसके अपोजिट में स्मॉलर होगा, यहां पर काम कर लेते हैं, यहां पर हमने कहा ग्रेटर होगा, यहां पर स्मॉलर है, यहां पर ग्रेटर और इक्वल है, यहां पर स्मॉलर और इक्वल है, और यहां पर इक्वल है, राइट। ये आपको मेंशन करना है, केवल केवल इतना आपको मेंशन करना है, राइट, फिर आपके आंसर आएंगे। आप देखो अब यहां पर स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है, स्टेटमेंट के अंदर दिया है के परसेंटेज यम, के परसेंटेज यम एट द रेट आर, ठीक। अब देखो फिर यहीं पर आर है, ठीक है, तो इसे हमें अरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या दिया हुआ है, फिर आर हैश टैग टी परसेंटेज यहां पर एक्स। अब ध्यान रखिएगा ये हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे, अब यहां पर एक पॉइंट है, जैसे मैं कहूं कि ए इज ग्रेटर दैन बी, तो हम इसको लिख सकते हैं, बी इज लेस देन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अब जरा ध्यान रखिए, अगर यहां पर लिखा हो ए परसेंटेज बी, क्या लिखा हो, ए परसेंटेज बी, अब ए परसेंटेज बी तो लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए परसेंटेज बी। अब ध्यान रखिए लेकिन बी और ए के बीच में यहां क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज, तो बी और ए के बीच में क्या लिखेंगे, क्या परसेंटेज ही लिखेंगे, तो नहीं, ठीक उसका अपोजिट, यानी हम क्या लिखेंगे, डॉलर। तो यहां पर सिंबल भी चेंज होगा, क्योंकि यहां सिंबल चेंज होता है तो यहां भी सिंबल चेंज होगा, यह आपको ध्यान रखना है, अगर आप एलिमेंट को चेंज करोगे तो सिंबल भी क्या होगा, चेंज होगा, सिंपल हमें यहां पर समझना है। वही केस यहां भी आएगा, ध्यान रखिएगा ग्रेटर और इक्वल में स्मॉलर और इक्वल चेंज होगा, तो ये हमको ध्यान रखना है, राइट। तो हम वहां पर भी ये चेंज करेंगे, देखो आप कैसे करना है, ये बेसिक बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप समस्या आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका स्पीड बढ़ने लगेगा। देखो आप, अब यहां पर तो x है, अब यहां x नहीं है, अब ध्यान रखना
यहां तो यहां यक्स है लेकिन यहां यक्स नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, यक्स को इधर लाने के लिए चेंज करोगे। आप कैसे चेंज करोगे भाई, तो डॉलर लिखा हुआ है, तो डॉलर अगर है तो उसका अपोजिट वाला कौन है, परसेंटेज है। तो अगर आप यहां पर यक्स को फिक्स करोगे तो यहां पर परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा, फिर इधर कौन आएगा, ओ आएगा, राइट। अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है, सब एक सीक्वेंस में लगा हुआ है, सभी एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो, आ जाते हैं यहां पर पहले वाले क्वेश्चन पर। पहला जो कंक्लूजन दिया है वो कह रहा है यम हैज टी, यम हैज टी। तो अभी ध्यान रखना है, जो भी रिलेशन बनाएंगे वो इधर से करेंगे, ठीक है। यम हैज टी दिखा हुआ है, तो यम और टी के बीच में देखो, यम और टी के बीच में कौन है, एट द रेट है और हैज है, कौन है, एट द रेट है और हैज है। तो भाई एट द रेट और हैज में प्रियोरिटी किसको मिलेगी भाई, आप और पिताजी हैं, तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी भाई, पिताजी को मिलेगी। इसका मतलब हैज अगर रहेगा यहां पर तो ये क्या माना जाएगा, सही। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सही है, गुड। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, R डॉलर O। अब R डॉलर O है, अब ध्यान दीजिए R कहां पर, तो R यहां पर है और O यहां पर है, डॉलर की बात कर रहा है। अब ध्यान रखिए यहां पर हैज है, परसेंटेज है, और हैज है, परसेंटेज है और परसेंटेज है, राइट। तो परसेंटेज दो बार आया और देखो डॉलर भी आ गया। अब ध्यान रखिए परसेंटेज और डॉलर, अब दादा और नाना है, अब दादाजी और नाना जी रहेंगे, इसका मतलब ये अपोजिट ब्लड के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर नो रिलेशन बनता है। तो भाई आर और ओ के बीच में नो रिलेशन बनेगा, मतलब ये क्या माना जाएगा, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब इसमें आ जाओ, ठीक है, यहां पर जो दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहां पर परसेंटेज था और हैज की हमने बात की थी, डॉलर नहीं था। ओहो, ये एक मिस्टेक है, आप ध्यान रखिए। देखो आप, हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। देखो मिस्टेक क्या थी, आप समझिएगा, ये मैं हटा देता हूँ। मिस्टेक क्या थी, आप समझना यहाँ पर, ठीक है। मिस्टेक ये थी कि टी आर और यहाँ पर ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखो हमें आर और ओ के बीच का रिलेशन चाहिए था, राइट। आर और ओ के बीच में यहाँ पर कह रहा है कि आर डॉलर ओ, राइट। तो यहां पर कौन हैस है, परसेंटेज है और परसेंटेज है, तो आपको समझना जरूरी है, बिल्कुल क्लियरली आप समझ पाओ, ठीक है। यहां पर हैज है, परसेंटेज है और परसेंटेज है, तो देखो हैज कहां है, यहां है, परसेंटेज है। तो हैज और परसेंटेज के बीच में जो रिलेशन बनता है, हम लोग इसकी बात कर लिए थे, क्योंकि यहां पर था तो हम इसकी बात कर लिए थे, ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइन नहीं है यहां पर। तो यहां पर परसेंटेज और हैज के बीच में प्रायोरिटी किसकी होगी, परसेंटेज की होगी, क्योंकि ये दादाजी हैं और ये पिताजी हैं, तो दादाजी की प्रायोरिटी होगी, राइट। तो हम यहां पर जब कंक्लूजन लाएंगे, तो अगर यहां पर परसेंटेज होता तो हम करेक्ट करते, परसेंटेज नहीं है इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। क्या होगा, ये फॉल्स होगा, वो अलग बात है कि ये अपोजिट में आएगा, ठीक है। अब सही हो गया, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यम और ओ। तो देखो यम और ओ है, तो भाई देखो यम तो यहां है, यम यहां है, ठीक है। यम कहां है, देखो आप, यम इधर है और देखो यम इधर है और ओ इधर है, यम से ओ जा रहे हैं, ध्यान रखिए यम से ओ जा रहे हैं। अब यहां पर बीच में कौन आ रहा है, एट द रेट हैज परसेंटेज, और उधर भी कौन है, परसेंटेज है, एट द रेट ठीक है, हैज है और परसेंटेज है, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, परसेंटेज को भाई, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन बनेगा और तीनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, बस दादाजी को देंगे प्रायोरिटी, ध्यान रखना। इसका मतलब यह भी कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, यह भी कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें से जो हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट और थर्ड बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, आप देख लो फर्स्ट और थर्ड के लिए क्या ऑप्शन दिया गया। तो भाई फर्स्ट और थर्ड के लिए हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, हाँ वो आ रहा है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलो हमें यह चीज याद रखना है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ये हमको याद रखना है, यहां परसेंटेज हैज है, एट द रेट है, डॉलर है और कॉपीराइट, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां परसेंटेज है, हैज है, एट द रेट है, डॉलर है और कॉपीराइट, यहां होगा कॉपीराइट, यहां है एट द रेट, ठीक है, ठीक। देख लेते हैं, परसेंटेज हैज, एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, परसेंटेज हैज, एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन आप करो, ठीक है, देखो आप, देखो आप,
देखिए इस क्वेश्चन में आप देखो तो पहले क्या दिया हुआ है, यम पी और क्यू है, राइट। तो यम पी और क्यू है तो उसका देखो क्यू का रिलेशन इधर जाएगा, ठीक है, क्यू का रिलेशन यहां होगा क्यू का, ठीक है। अभी देखो आगे और क्या क्या मिल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसको अरेंज कर लो, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे अरेंज करोगे आप देखो, आप अरेंज करने के लिए आप बनाओगे यम डॉलर पी हैज क्यू, राइट, हम उसी को अरेंज कर रहे हैं। अब क्यू इधर है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप ये करके रखोगे, फिर इसके बाद वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको और इसको अरेंज कर लिया, अब ये बीच वाले को अरेंज करना है। बीच वाले में क्या दिया हुआ है, यस यल और यम, तो भाई यम इधर है, तो आप सीधे सीधे कैसे अरेंज करोगे आप समझो। तो यम यहां है, हैज भी इधर आ जाएगा, और यहां पर कौन था, यहां पर है आपका, देखो हैज इधर आ गया, ठीक है, और यहां पर यल हो गया, यहां पर परसेंटेज हो गया, और यहां पर यस हो गया। तो बिल्कुल सीधा सीधा था ये, बिल्कुल सीधा सीधा था, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा आपने अरेंज कर लिया। पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ आप, पहले क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। देखो आप पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में यहां पर ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आप देखोगे तो यल हैज क्यू की बात कर रहा है, तो यल और क्यू के बीच में आप देखो कौन है। तो पहले आप ध्यान रखना, पहले यहां यल है तो इधर भी पहले यल होना चाहिए, ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। यहां पर यल है तो पहले यल होना चाहिए, क्यू इधर है तो क्यू लास्ट में होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो हमें सिंबल चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक बात है ये, आप ध्यान रखना। तो देखो आप, तो भाई यहां पर यल है, यहां पर क्यू है, इसके बीच में हैज तो दो बार आया, एक बार डॉलर आ गया, ठीक है, हैज दो बार आया है और एक बार डॉलर आ गया, बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं, पिताजी और नाना जी हैं, ठीक है, अलग अलग ब्लड रिलेशन से, अलग अलग जनरेशन से आ रहे हैं। अब अलग अलग अगर जनरेशन से आएंगे, इसका मतलब है कि ये अपोजिट साइन माना जाएगा। कैसा साइन माना जाएगा, अपोजिट। फिर से आप देख लो, डॉलर है, कौन है भाई, डॉलर है और हैज आया है, तो कैसा है, अपोजिट साइन। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, आर और पी, नेक्स्ट पर आ जाओ आर और पी। तो देखो आर और पी के बीच में कौन है, परसेंटेज है, कौन है, परसेंटेज है। अब देखना होगा कि आर और पी कैसे हैं, ठीक है। तो देखो आर इधर दिया है और पी इधर दिया है, देखो ये रिवर्स हो जाएगा, आर को पहले होना चाहिए, ठीक है, पी को बाद में होना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा, ठीक है, तब तो ठीक रहेगा। अगर आर और पी के बीच में परसेंटेज है तो ये देखो साइन भी तो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी ये इधर अगर लेफ्ट में आ रहे तो इधर भी लेफ्ट में आर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो नहीं चेंज करेंगे, इन्हीं को चेंज कर देंगे। तो इनको चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर हम बनाएंगे भाई, पहले हम P को रख ले, देखो इधर पहले P है तो हम पहले P को रखेंगे और बाद में किसको रखेंगे, R को, दोनों एकदम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब बीच में परसेंटेज है तो परसेंटेज चेंज किस में हो जाएगा, डॉलर में हो जाएगा। तो यहां पर हम किसको ले आएंगे, यहां हम डॉलर को लाएंगे, राइट। तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। छोटी मोटी बातें ध्यान रखेंगे, धीरे 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 करेंगे, बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और फिर क्वेश्चन फास्ट होने लगेगा। देखो आप, पी और आर के बीच में कौन है भाई, हैज है, एट द रेट है, कॉपीराइट। अब देखो हैज है, एट द रेट है, कॉपीराइट, अगर ये तीनों आए मतलब कैसा साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया। अब अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब है कि यहां पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा वैसे भी हम लोग फॉल्स कर सकते थे, बट ध्यान रखना ये चीज बताना जरूरी है कि ये चेंज करने वाला, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई आप करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कौन है, W और L। अब देखो W कहाँ है, तो W यहां है और L इधर है, ठीक है, W और L इधर है। अब पहले यहीं पर चेक कर लेते हैं ये चेंज करने से पहले कि कोई अपोजिट साइन तो नहीं आ रहा है, ठीक है, अलग अलग ब्लड रिलेशन से तो नहीं आ रहे, अलग अलग जनरेशन से तो नहीं आ रहे। देखो आप, W और L के बीच में कौन हैज है, डॉलर है, कौन हैज है, डॉलर। जैसे हैज और डॉलर आया मतलब अपोजिट हो गए, ठीक है, वैसे क्या हो गया, ये अपोजिट हो गए। अगर ये अपोजिट हो गए इसका मतलब ये कंक्लूजन वहीं पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंक्लूजन क्या हो गया, यहीं पे फॉल्स हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर L और W के बीच में कैसे आ गए, एट द रेट है, हैज है, तो भाई एट द रेट का कोई मतलब नहीं है, वो तो आप हो, आप दोनों ब्लड रिलेशन में होंगे, आप दोनों जनरेशन में आओगे, ठीक है। बट यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन है, तो यहां पर हैज है और डॉलर है, तो हैज और डॉलर जो होगा वो अलग अलग जनरेशन से आएगा, इसलिए ये अपोजिट माना जाएगा। यहां पर देखिए ये नाना जी हो गए और ये वो आपके
पिताजी हो गए, इसका मतलब है कि यहां पर कंक्लूजन क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। अब तीनों फॉल्स आया है, यहां पर हमें ध्यान रखना है कहीं कोई इधर और तो नहीं बन रहा है, यह भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में कई सारे इधर और हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इधर और कैसे बनता है ध्यान रखना, हमने पिछली क्लास में बात की है इधर और के बारे में। ठीक है, तो इधर और के लिए या तो टू साइन सेम होंगे या तो थ्री सेम होंगे, राइट, या तो टू सिंबल होंगे या तो थ्री सिंबल होंगे। बट यहां पर कैसे हम समझे, राइट, अब देखो यहां पर कैसे समझोगे आप भाई, यहां पर तो ये है और ये है, राइट, यहां पर ये है तो ये है, यहां पर ये है। अब ध्यान रखिएगा, तीन साइन वाले इधर और तो बड़ा इजी है भाई, इनके इनके बीच में जो नो रिलेशन होगा, नो रिलेशन के बीच में तीनों साइन आएंगे तो इधर और बनेगा। वो साइन कैसा हो सकता है, वो ये साइन हो सकता है, ये हो सकता है, देखो ये होगा तब भी तीन साइन होगा और ये होगा तब भी तीन साइन होगा, राइट। अच्छा, ये होगा तो तीन साइन नहीं होगा, यहां पर दो साइन माना जाएगा, ये नॉट इक्वल में आएगा, राइट, किसमें नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब इधर ग्रेटर और स्मॉलर। और अगर ये आएगा सिंगल, ध्यान रखिए इसमें भी क्या है, ग्रेटर और इक्वल है तो दो साइन वाला होगा, यहां स्मॉलर और इक्वल है तो कितना होगा, दो साइन वाला होगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा क्या एलिमेंट सेम है कहीं पर, तो बिल्कुल यहां पर हमें ध्यान रखना है, कोई सेम हमको मिल रहा है तो हमको एक यल सेम मिल रहा है, यल इधर भी है और यल इधर भी है, ऐसी सिचुएशन। अब देखो क्यू और डब्ल्यू सेम तो है नहीं, बट ऐसी सिचुएशन में एक बात ध्यान रखनी है और वो ये ध्यान रखना है, अब ये भी ध्यान रखो, यहां पर हैज है और यहां पर कौन है, परसेंटेज है, तो हैज और परसेंटेज में कोई तीनों साइन तो आ नहीं रहा है, बट फिर भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना है ये कि ये जो Q और W है उनके बीच में कोई बराबर वाला साइन तो नहीं है, बराबर वाला साइन तो नहीं है, बराबर मतलब आप, अब भाई यहां पर Q और W के बीच में तो आप आ ही रहे हो, Q और W के बीच में तो आप आ ही रहे हो, इसका मतलब है कि Q और W के बीच में आप यानी बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। इसको आप इस तरफ रखो या इसको इस तरफ रखो, दोनों बात बराबर है, दोनों बात क्या है, बराबर है। अच्छा, अब यहां चेक करना चाहिए हमको कि इधर और बनेगा या नहीं बनेगा, हमें चेक करना चाहिए वो बने या ना बने। ठीक है, चेक कैसे करना है आप समझो, अब हम मान लेते हैं कि यहां W की जगह पर कौन है, Q है, यहां W की जगह पर कौन है, Q है, हम एक ही मान लेते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हमने मान लिया कि W की जगह पर कौन होगा, Q होगा। अब W की जगह पर Q है, अब देखो क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो L और Q, अब L और Q को ऐसे आप ध्यान रखो तो आपको ज्यादा समझ आएगा, यल और क्यू के बीच में कौन है, तो यहां पर देखो यल और क्यू है, वहां पर क्यू और यल है, उसको भी चेंज कर लेते हैं, यहां रखूंगा ज्यादा आपको समझ आएगा, यल और क्यू के बीच में क्या आ रहा है, यहां पर हैज आ रहा है, ध्यान रखना, और यहां पर अब इसको चेंज करेंगे तो परसेंटेज किसमें आ जाएगा, डॉलर में, तो यहां यल और क्यू रखेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका कैसा है, क्वेश्चन हाई लेवल है। ठीक, अब आप यहां पर देखो, देखो यहां पर कौन आ गया, हैज आ गया और डॉलर आ गया, कौन आ गया, हैज और डॉलर। अच्छा, हैज और डॉलर आता है तो कितने साइन बन जाएंगे, तो देखो तीनों साइन बनेंगे यहां पर, कैसे साइन बनेंगे, तीनों। अगर यल और क्यू के बीच में यहां स्टेटमेंट के अंदर अपोजिट साइन आ जाए तो हम मानेंगे कि इधर और बनेगा। देखो आप, यल और क्यू के बीच में कौन है, हैज है और डॉलर है, कौन है, हैज और डॉलर है। अच्छा, हैज और डॉलर वह, इसका मतलब है कि अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन है इसका मतलब यहां पर इधर और बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर इधर और बनेगा। आप चाहो तो आप इसको चेंज करके भी चेक कर सकते हो, यहां पर इधर और किसके किसके बीच में बन रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में इधर और बनेगा, किसके किसके बीच में बनेगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, आप चेक करो यहां पर आंसर क्या आएगा, इधर फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू, राइट, इधर फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू, राइट, तो यहां पर ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो बैंकिंग के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोई सिंपल सा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक होगा। तो हम इसको थोड़ा लर्न कर लेते हैं, परसेंटेज हैज है, एट द रेट है, डॉलर और कॉपीराइट, क्योंकि आगे भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज हैज है, एट द रेट है, डॉलर है और
कॉपीराइट, एक बार फिर से देख लो, परसेंटेज हैड्स एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, परसेंटेज हैड एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, ठीक है। तो ये हमने भी मेंशन कर लिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कर दो, देखो आप क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, क्योंकि अब आप बेसिक बात समझ गए हो, ठीक है। जैसे आप 10 से 20 क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई हैं और आप फिर आप फास्ट तरीके से आंसर करना शुरू कर दोगे। देखो आप, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। ये तीन कंक्लूजन दिए गए हैं इस पर। तो तीन कंक्लूजन में आप देखो सबसे पहले क्या दिया है, मैं फिर से इनको क्या करूंगा, अरेंज कर लेता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा कि अगर हम इनको अरेंज कर लेंगे। देखो आप, देखो यहां पर दिया है जेड हैज क्या हो जाएगा, ए परसेंटेज सी। अब भाई देखो सी यहां पर कॉमन मिल रहा है तो हम उसके आगे बढ़ा लेते हैं, सी हैज टैग बी डॉलर एच, डॉलर एच। अब जो ये जी और जेड है तो वो भी बिल्कुल सीधे हैं, ये अब बहुत ध्यान देना इस बात का, ध्यान रखना जी और जेड है वो बिल्कुल आप ऐसे रखोगे तो जेड यहीं रह जाएगा और जी इधर आ जाएगा, ठीक, क्लियर, ओके। देखो आप, अब आप ध्यान रखना, अब यहां पर हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में जेड दिया है और बी दिया, देखो जेड से बी है, जैसे ये है ये लेफ्ट में ये राइट में, तो ये जेड इधर लेफ्ट में होना चाहिए, बी राइट में होना चाहिए, बिल्कुल वो परफेक्ट है, ये आपको पहले ध्यान देना है। तो देखो जेड और बी के बीच में कौन है, यहां तो परसेंटेज पूछा हुआ है, तो भाई हैज है, परसेंटेज हैज है, तो हैज और परसेंटेज में तो रिलेशन बनता है, तो वहां पर परसेंटेज अगर दिया जाएगा कंक्लूजन में तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप देखो जेड और बी के बीच में, जेड और बी के बीच में कौन हैज है और परसेंटेज है, तो प्रियोरिटी हम किसको देंगे, परसेंटेज को देंगे, परसेंटेज यहां ये करेक्ट, राइट। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, एच और जेड। अब एच और जेड में आप देख लो, यहां पर एच इधर है और जेड इधर है, अब देखो ये उल्टा हो गया भाई, एच अब देखो जेड को इधर होना चाहिए, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो आपको पता है, एट द रेट है तो यहां पर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कर लो, अगर यहां आपने जेड रखा, यहां एच रखा और यहां एट द रेट रखा, बात वही है, क्योंकि आप तो दोनों जनरेशन में आते हो, राइट, बराबर दोनों तरफ होता है, तो आप यहां पर ध्यान रखना यही है, चाहे ऐसे ही रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड और एच के बीच में हमें चेक करना है कोई अपोजिट साइन तो नहीं आएगा, तो भाई देखते हैं, यहां पर हैज दो बार आया, परसेंटेज आया और डॉलर आया, तो हैज और डॉलर का बिल्कुल अपोजिट है, या परसेंटेज और डॉलर ही अपोजिट है, अपोजिट होने के नाते ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जी और ए दिया गया है, जी और ए के बीच में कौन हैज है, तो जी और ए के बीच में हैज है, ध्यान रखना पहले जी फिर ए, वहां भी पहले जी फिर ए, तो देखो जी और एच ए के बीच में कौन हैज है, तो यहां पर कॉपीराइट और हैज आया, ये कॉपीराइट है, हाँ कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट और कौन हैज है, तो कॉपीराइट और हैज के बीच में क्या है, ये कैसे हैं, ये दोनों अलग अलग जनरेशन से आते हैं, इसका मतलब ये अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन आने का मतलब है कि ये कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। अब चेक कर लेते हैं भाई, दो फॉल्स आया, आप कहोगे यहां भी चेक कर लो, कोई इधर और तुक्का केस तो नहीं है, बट यहां इधर और का केस नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों में से कोई तो होना चाहिए, दोनों में से कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सेम हो, तो बस ऐसा दिख नहीं रहा है, आप कहते हो तो चेक कर लेता हूं। देखो आप यहां पर ऐसा तब हो सकता है कि जब इनके बीच में कुछ दोनों के बीच में बराबर आ जाए, दोनों के बीच में एट द रेट आ जाए, बट ना यहां पर एट द रेट का यूज किया ही नहीं, तो चेक ही ना करो आप, राइट। तो यहां पर देखो कंक्लूजन क्या बनने वाला है, वनली वन बनने वाला है, वनली वन कौन सा है, तो वनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, परसेंटेज हैड एट द रेट डॉलर और कॉपीराइट। देखो आप भाई, यहां भी बना देता हूं मैं, परसेंटेज हैज एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, चेक कर लेता हूं, परसेंटेज है एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिख रहा है। अब यहां पर देखो हम क्या करने वाले हैं इसको, तो भाई अरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, डी है, कॉपीराइट है और जी है, एट द रेट है, एच है, राइट। अब ध्यान रखना यहां पर पूरा पूरा रिवर्स हो गया है, अच्छा अभी आगे वाला देख लो आप, तो ये बी और डी जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इनको ऐसे लेके आओगे यहां रख दोगे, तो यहां पर ध्यान रखना डॉलर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। बट ये वाला केस आप देखो, एच इधर जा रहा है, राइट,
इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा चेंज होगा भाई। यच यहाँ है तो यच से शुरुआत होनी चाहिए, यच से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये सब चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यच के आगे अगर हम कोई सिंबल लगाएंगे, ध्यान रखना जैसे लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहां पर देखो ई और एच, ई और एच के बीच में क्या है भाई, हैज है, ठीक है। ई और एच के बीच में क्या है, हैज है। अगर हमें एच को इधर लिखना हो, ई को इधर लिखना हो, ठीक है, तो हैज का अपोजिट वाला आप लिखोगे, यानी क्या लिखोगे आप लिखोगे कॉपीराइट। क्या लिखोगे, कॉपीराइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने कॉपीराइट लिख दिया और यहां पर हमने ई लिख दिया। अब यहां पर ध्यान देना, वैसे ही ई और ए को भी चेंज करेंगे तो परसेंटेज का क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डॉलर हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, राइट। ये सब बातें बहुत ध्यान देनी है, नहीं तो गलती तो होगी। आप देखो पहले वाला क्वेश्चन पर आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया, बी परसेंटेज ए, तो बी और ए है तो ठीक है, इतना लंबा है, कोई अपोजिट साइन तो होना चाहिए। देखो डॉलर है, कॉपीराइट है, यहां तक तो ठीक है, एट द रेट है, ठीक है, यहां तक कॉपीराइट है, यहां भी ठीक है, फिर डॉलर आ गया, यहां भी ठीक है। मुझे लग रहा है यहां पर कोई अपोजिट साइन नहीं आ रहा है। देख लो आप कौन किस ग्रुप के आ रहे हैं, ये ज्यादातर नाना जी वाले ग्रुप के हैं लोग। देखो डॉलर है तो ठीक है, डॉलर है, कॉपीराइट वो माता जी आ गई, एट द रेट आप आ गए, कॉपीराइट फिर माता जी आ गई, डॉलर फिर नाना जी आ गए, सब नाना जी वाले ग्रुप के हैं। अब नाना जी वाले ग्रुप के हैं तो आप ध्यान रखना, इसमें कोई ज्यादा समस्या है नहीं। अब बी परसेंटेज ए दिया है, अब बी परसेंटेज ए दिया है, सभी नाना जी के ग्रुप के हैं, उन्हीं के खानदान वाले हैं, तो फिर दादाजी कहां आ गए बीच में, मतलब परसेंटेज कहां आ गया। अब अगर परसेंटेज आ गया, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, राइट। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यहां पर चेक कर लो, ई हैज ट्रैक क्या है, यहां पर डी दिया गया है। अब पहले यहां पर देखो ई कहां है और डी कहां है, तो भाई देखो यहां पर ये ई यहां पर है तो इधर ई होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसका सिंबल चेंज कर देते हैं। क्या लिख देंगे, डी हैज का क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, और फिर क्या लिखोगे, ई, ठीक है। अब करेक्ट, अब ये वाला तो आ गया किस ग्रुप का, ये नाना जी वाले ग्रुप का है, इनके जनरेशन का है। तो अभी यहां पर ध्यान रखोगे, ये माता जी आ गई यहां पर, राइट। तो अभी आप देखोगे तो डी और ई के बीच में कौन कौन आ रहे हैं, तो डी और ई के बीच में कौन है, कॉपीराइट फिर एट द रेट, मतलब माता जी आई और आप आए, तो प्रायोरिटी तो माता जी को ही देनी है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरे पर आ जाओ, जी और ई, तीसरे पर कौन है, जी और ई के बीच में परसेंटेज, ध्यान रखना। पहले देखो जी किधर है, तो जी यहां पर है और ई यहां पर है, तो बिल्कुल वो परफेक्ट आ रहा है, बट परसेंटेज उस पर आया, इसका मतलब है कि ये क्या है, फॉल्स है। तो यहां पर कौन सा कंक्लूजन सही है, यहां पर वनली कंक्लूजन कौन सा ट्रू होगा, वनली कंक्लूजन सेकेंड ट्रू होगा, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर टू लगाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये देखिए ये इसका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो आप यहां पर क्या है, परसेंटेज है एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, ये मैं मेंशन कर देता हूं, एट द रेट कॉपीराइट डॉलर, आई थिंक मैंने सही लिखा होगा, परसेंटेज हैज एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, परसेंटेज हैज एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, परसेंट है एट द रेट डॉलर, ठीक है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फाइव पर हम लोग आ गए, चलिए इस पर देखें क्या होना है। अब आप देखो यहां पर इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में पहले के लिखा हुआ है, के परसेंटेज आर है, एट द रेट एम है, राइट। अब यहां पर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है दूसरे में, तो आर कॉमन दिख रहा है, देखो आर को ऐसे लेके आओगे तो यहां आएगा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर कॉपीराइट किया और यहां पर ओहो देखो आप यहां पर डॉलर कर दिया, ठीक है, यहां पर क्यू कर दिया और फिर कॉपीराइट लिखा, फिर यू लिख दिया, राइट। अब ठीक है, क्यू और टी दिया है, क्यू और टी इसमें कहीं पर भी है, तो भाई क्यू इधर है, अभी टी तो नहीं दिख रहा है। अब क्यों से हमें टी रखना है, तो चलो यहीं कहीं आप मेंशन कर लो, या इनको अलग से ही लिख लो, ठीक है, अलग से लिख लेते हैं, या यहाँ उतनी जगह नहीं है तो मैं इनको अलग से रखता हूँ, जब ज़रूरत इनकी पड़ेगी तब हम लोग इनको रखेंगे, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब रख लेंगे, चलो ठीक है। उनको हमने मार्क कर लिया है कि वो अलग अभी पड़े हैं, क्योंकि टी हम यहाँ रखेंगे तो अब देखना होगा कि इधर से ज़रूरत पड़ रही है या इस तरफ से ज़रूरत पड़ रही है। अब देखो यहाँ पर पहला कंक्लूजन पूछा गया आर परसेंटेज यू, तो अभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी।
R से U गया है तो ध्यान रखना इसको चेंज करना पड़ेगा, इनको चेंज करोगे तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा आपका परसेंटेज का क्या आ जाएगा, डॉलर, ठीक है, डॉलर आ जाएगा। तो ध्यान रखना R और U के बीच में डॉलर दिया है बट परसेंटेज भी दिया है, तो डॉलर और परसेंटेज भाई एक साथ आएंगे, इसका मतलब है यहां पर अपोजिट साइन आ गया, तो यह कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स, कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स। अब इस पे आ जाओ, यहां पर T और U है, T और U का चेक कर लो भाई, T कहां है, तो अभी T को वहां रखा हमने, ठीक है, T और U, देखो T और U, U कहां है, तो U यहीं पर है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब ऐसे यहां मैं लिख देता हूं, U है कॉपीराइट है, ठीक है, Q है और Q है, Q के बाद हमको यहां पर लिखना है परसेंटेज और T, ठीक है, अलग से हम मेंशन कर ले रहे हैं, Q के बाद हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज T। तो अब यहां पर पूछा है T और U, तो उल्टा पूछ लिया ना, उल्टा अगर पूछा है तो इसको आप चेंज करोगे, हैश का क्या बन जाएगा, हैश का बन जाएगा कॉपीराइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, U, इधर नहीं लिखता हूं ध्यान रखो, यहां पर पूछा है आपसे U और कॉपीराइट, हैश का क्या बन जाएगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या हो गया, T, ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। अब आप ध्यान रखो, अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया, तो यहां पर कॉपीराइट और परसेंटेज दोनों आ गया है, कॉपीराइट और परसेंटेज दोनों है, भाई कॉपीराइट परसेंटेज अगर दोनों आएगा तो फिर यहां पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो यहां पर भी कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तीसरे में आते हैं यम और के है, यम और के बीच में क्या है, यम और के बीच में परसेंटेज है, तो देखो यम और के बीच में परसेंटेज है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज का क्या हो जाएगा, डॉलर, ठीक है, इधर के लिखोगे इधर यम लिखोगे, क्या हो जाएगा, डॉलर। अब यहां पर डॉलर हो गया, ठीक है, तो के है, के डॉलर क्या होना चाहिए, यम। अब बीच में कहीं डॉलर है क्या, बीच में डॉलर तो है ही नहीं, परसेंटेज है और एट द रेट, प्रियोरिटी हम किसको देंगे, भाई परसेंटेज को देंगे, ठीक है, परसेंटेज को देंगे, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, ये भी कंक्लूजन फॉल्स है। अब देखो अगर ये तीनों फॉल्स आ गए तो आप एक बार ध्यान दो कि कहीं इधर और वगैरह तो नहीं बन रहा है, अच्छा, जबकि एट द रेट केवल एक ही जगह है, ठीक है, एट द रेट केवल एक ही जगह है, तो किसी दो में आर और यम तो नहीं है, तो भाई एक में तो आर दिख रहा है, ठीक है, और उधर यम है, बट इधर कहीं तो है नहीं, इसका मतलब ध्यान रखना, वहां पर जो के है, इसमें अगर के होता तो कुछ हम सोच पाते, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं है और यहां पर कोई इधर और नहीं बनने वाला है, तो यहां पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देयर इज नो ट्रूथ, यानी यहां पर लिख रहा है कोई सत्य नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चलिए अब आप लोग बना लो, यहां पर देखो आप, चलिए हमें मैजिक बॉक्स बनाना है, ठीक है, हमें मैजिक बॉक्स बनाना है, तो हम मैजिक बॉक्स क्वेश्चन की तरफ बनाते हैं, क्यों इधर मेहनत करोगे आप, देखो आप यहां पर आप मैजिक बॉक्स एक बना लेते हैं, ठीक है, मैजिक बॉक्स इधर बना लेते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि टी टी डॉलर वी मीन्स टी इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या होगा भाई, डॉलर का मतलब है बराबर, तो भाई डॉलर आपको यही रख लेना है बीच में, ठीक है, डॉलर कहां रखना है, बीच में रख लेना है, ठीक है, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं इधर भी मेंशन कर देता हूं एक बार, यहां पर क्या हो गया, हाँ, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यहां इसका मतलब क्या हो गया, बराबर, ठीक है। आगे कह रहा है कि टी एट द रेट वी मीन्स टी इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, ठीक है, ना ही बड़ा है ना ही बराबर, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, छोटा होगा, राइट। आगे क्वेश्चन में परसेंटेज के लिए क्या दिया हुआ, परसेंटेज के लिए दिया है स्मॉलर और इक्वल, ठीक है, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर हो गया। अब यहां पर आ जाओ एंड के लिए क्या दिया हुआ है, तो एंड के लिए दिया हुआ है टी, क्या दिया है भाई, हाँ, टी इज नॉट स्मॉलर दैन बी, अब स्मॉलर नहीं है मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, और सबसे नीचे लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर दैन बी, इसका मतलब क्या है, स्मॉलर और इक्वल। तो हमें यहां पर समझना है कि डॉलर किसके लिए यूज हुआ है, इक्वल के लिए, एट द रेट किसको यूज हुआ है, स्मॉलर के लिए, और परसेंटेज ग्रेटर के लिए, तो एट द रेट स्मॉलर के लिए है, एट द रेट स्मॉलर के लिए है, यहां पर एट द रेट हो जाएगा, और एक क्या था, तो यहां पर परसेंटेज किसके लिए यूज हुआ है, तो ग्रेटर के लिए यूज हुआ है, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया, और
उसके बाद एंड जो यूज हुआ है वो ग्रेटर इक्वल और इसके बाद जो है हैज यूज हुआ है, राइट। तो यहां पर एंड हो जाएगा और यहां पर कौन हो जाएगा, हैज हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको आपको ध्यान रखना, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है जब एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वहां पर ये आप अपने कॉपी पर इतनी चीजें मेंशन कर लो, ठीक है। तो मेंशन कर लोगे तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो हमने यहां पर कर लिया है, हमने कर लिया है क्या क्या किया भाई, ठीक है, हैज और एंड को हमने मेंशन कर लिया यहां पर, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर लिया है, चलिए आप आंसर करिए। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, तो देखो यहां पर जो क्वेश्चन बन रहा है आपको ये बराबर दिख रहा होगा, तो इसको आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है जब आपको बराबर दिख रहा है, राइट। तो यन और डब्ल्यू, यन और डब्ल्यू है, ध्यान रखिए यन और डब्ल्यू है, तो भाई देखो यन इधर है डब्ल्यू इधर है, सिंपल इसको चेंज करो, परसेंटेज को चेंज करोगे एट द रेट में, राइट। तो यहां पर कौन आ जाएगा, एट द रेट। तो अब एट द रेट के लिए हम सोचेंगे कुछ, क्या सोचते हैं, तो भाई यन एकदम लास्ट में है, डब्ल्यू इधर है, देखो एंड आ गया, ठीक है, परसेंटेज आ गया तो अभी तक तो ठीक है, एट द रेट आ गया अब ठीक नहीं है, हैज आ गया तब तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अपोजिट साइन आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब यहां पर ध्यान रखो क्या यहां पर दिया गया, यन है और क्या है, यन है और डब्ल्यू है। अब यन और डब्ल्यू है, फिर वही आ गया यन और डब्ल्यू, तो हैज का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो क्या यहां पर बनेगा कि कुछ, बिल्कुल नहीं बनेगा, अपोजिट साइन तो आ ही रहा था। अब अपोजिट साइन आ रहा है, एन डब्ल्यू है, एन डब्ल्यू है, एक में परसेंटेज है और एक में हैज, देखो परसेंटेज और हैज आ रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट साइन आ रहा है, इन दोनों में इधर और बनता है। अब इनमें इधर और बनेगा तो आप सिंपल कह दो इधर और बनेगा, ठीक है, इन दोनों में इधर और बनेगा। अब ऑप्शन देख लो, कह रहा है कि इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, बहुत ईजी था, आराम से आप करके ले गए, लेकिन आपको इधर और की कंडीशन पता होनी चाहिए। आप पिछली दो क्लासेस जा करके जरूर देखें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो लगवा देंगे, आप जरूर देखिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर भी हमने बेसिक बातें बताई हैं, और यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आपको हाई मिलेगा। देखो आप नेक्स्ट में आ जाएं, फिलहाल हम लोग ये मैजिक बॉक्स को तो भूल ही रहे हैं, परसेंटेज एंड डॉलर एट द रेट हैज, परसेंटेज है एंड है डॉलर और क्या था भाई, डॉलर एट द रेट हैज, एट द रेट और हैज, ठीक है। तो ये था बॉक्स, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखो क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल आसपास ही दिख रहे हैं, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है ये पहला है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। यहां पर यू और वाई है तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू और वाई है, तो देखो एंड है, एंड एट द रेट है, एट द रेट के लिए पूछ रहा है, तो भाई एट द रेट आ रहा है, डॉलर आ रहा है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज जैसे आया प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एट द रेट और परसेंटेज दोनों अलग अलग जनरेशन से होंगे, इसका मतलब यहां पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरे पर आओ, यहां पर W है और D है, W और D है, तो भाई W से D आओगे, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले आप चेंज ही कर लो, यहां पर एट द रेट रखेंगे क्योंकि D इधर आएगा, W इधर आएगा, चलो ठीक है। तो D और W का हम देखेंगे, तो यहां पर कौन है, डॉलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप हो तो आप दोनों जनरेशन से आओगे, ठीक है। तो यहां पर डॉलर है, यहां पर फिर परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज आया और एंड आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ध्यान रखना, ये सेम जनरेशन से आ रहे हैं, क्योंकि आप यानी डॉलर, ये परसेंटेज यानी दादाजी, ये एंड यानी पिताजी, सब सेम जनरेशन से आते हैं, तो सेम जनरेशन में अगर आते हैं तो प्रायोरिटी भी किसको देनी पड़ेगी, भाई परसेंटेज को देनी पड़ेगी, यानी दादाजी को देनी पड़ेगी। और यहां पर तो परसेंटेज है नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर तो ये नाना जी आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या माना जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब कंक्लूजन फॉल्स आ गया, आप एक बार चेक कर सकते हो कि यहां पर इधर और तो नहीं बनने वाला है, बट यहां पर ध्यान रखिए इधर और नहीं बनेगा, क्योंकि डब्ल्यू बिल्कुल लास्ट वाला है। यहां पर देखो यू और वाई जो आए थे, हाँ यहां पर यू कहां है, यू यहां है, वाई यहां है, एक बार चेक कर लो क्या एंड का यहां जो मतलब है, एंड का मतलब कोई इक्वल तो है नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो यहां पर इधर और बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू, सो नीदर नॉर आएगा, यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा डी, नीदर कंक्लूजन
फर्स्ट नॉर कंक्लूजन टू, ठीक है, परसेंटेज एंड डॉलर एट द रेट हैज, परसेंटेज एंड डॉलर हैज एट द रेट, सही लिखा कि नहीं, उल्टा लिख दिया, परसेंटेज एंड डॉलर, ये हम लोग चेंज कर लें, यहां पर बनेगा देखो एट द रेट और हैज, और यहां पर था डॉलर, ठीक, यहां पर क्या है डॉलर, राइट। देखिए अब आप देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अब आप देखो यम और यन कौन है, यम और यन, तो भाई यम और यन किधर से, यम इधर है यन इधर है, चेंज कर सकते हो, बट आप जब चेक कर लो, आप चेक कर लो कि बीच में साइन कौन से आ रहे हैं। तो यम और यन हैज है और कौन है डॉलर हैज है और डॉलर है, हैज डॉलर में हैज की प्रायोरिटी होगी। अच्छा इस एंड डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर है तो बराबर है, बराबर मतलब बराबर, ठीक है, बराबर मतलब बराबर, ठीक है, आप एक बार यहां पर देख लो डॉलर बीच में था, ठीक है, ठीक है, तो बराबर मतलब बराबर, अब बराबर है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां पर बराबर आ रहा है तो ये भाई आप ध्यान रखना यन और यम के बीच में कौन आ रहा है, तो हैज आ रहा है माता जी और आप, सेम जनरेशन से हो लेकिन प्रायोरिटी माता जी को मिलेगी, आपको नहीं मिलने वाली, इसका मतलब इसीलिए कंक्लूजन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। नेक्स्ट यम और यन है, फिर यम और यन आ रहा आ गया, देखो यम और यन है, अगर यम और यन है और यहां पर क्या दिया गया परसेंटेज, तो देखो यम और यन है तो यन से यम होना चाहिए, इसको चेंज कर लो, अगर आप यहां पर चेंज करोगे, इसके चेंज करने की जरूरत है क्योंकि यहां पर परसेंटेज का क्या बन जाएगा एट द रेट, इधर यन आ जाएगा और इधर यम आ जाएगा, और इधर ध्यान रखना इधर यन रखोगे इधर यम रखोगे तब भी डॉलर का डॉलर ही रहेगा क्योंकि आप दोनों जनरेशन से आते हो, राइट। तो यहां पर ध्यान रखिए, तो यहां पर कौन है, यन है और यम है, अब एट द रेट आ रहा है, कौन आ रहा है एट द रेट, अब यहां पर हमको ध्यान रखना है कि अगर एट द रेट आ रहा है तो यहां पर डॉलर और हैज, राइट, हाँ डॉलर और हैज है, तो डॉलर और हैज में हम प्रायोरिटी किसकी देंगे, प्रायोरिटी तो हैज टैग की होगी, प्रायोरिटी किसकी होगी, प्रायोरिटी यहां पर हैज टैग की होगी, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एट द रेट आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एट द रेट आ रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। अब एक बार बिल्कुल समझ लो कि यहां पर इधर और तो नहीं बनने वाला है, यहां पर इधर और तो नहीं बनने वाला, ये हमको ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इधर और कैसे बनेगा, टू साइन वाले इधर और यहां पर हो सकते हैं, आप एक बार चेक करिए, ठीक है। देखो आपके समझाने के लिए बिल्कुल क्लियरली मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां पर लिखा है यन और फिर लिखा हुआ है के और फिर क्या लिखा हुआ है यम, इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। अब हैज जो लिखा है, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब यहां पर है स्मॉलर और इक्वल, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर है तो डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल, राइट। अब यहां पर जो कंक्लूजन पूछा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन पूछा हुआ था वो कंक्लूजन है, आप उसको चेंज करके भी लिख सकते हो, चेंज करके लिख सकते हो। तो देखो यहां पर कंक्लूजन जो पहला है वो यन और यम हमने चेंज करके लिखा है, तो डॉलर है, डॉलर मतलब क्या था, बराबर, राइट। और दूसरा ध्यान रखो, ये इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा कि आप एक बार समझ जाओगे तो अगली बार आप गलती नहीं करोगे। आगे देखो आप क्या है, एट द रेट है, तो एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है आपका स्मॉलर, राइट। तो यन और यम के बीच में क्या बनता है, स्मॉलर। अब देखो यन और यम के बीच में अगर ध्यान रखो, अगर आप यम को इधर रखोगे तो यन इज इधर स्मॉलर और इक्वल टू यम, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इधर और बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, इधर और बनेगा। अब जरा इस साइन में आप समझ लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, साइन में आप समझ लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइन में इसलिए समझना है क्योंकि आप देखो यहां पर हैज है और क्या है, डॉलर है, हैज और डॉलर है, तो भाई हैज और डॉलर में प्रायोरिटी तो इसी की होगी, बट इसमें दो साइन होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं ये समझ लो, इसमें जो साइन होगा इसमें साइन एट द रेट भी होगा और कौन होगा, डॉलर भी होगा, इसका मतलब है स्मॉलर और इक्वल, और ये स्मॉलर है और ये इक्वल है। अगर ऐसा साइन आता है तो यहां पर इधर और बनता है, यहां पर इधर और बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू,
राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। अब देखो दो वाले इधर और में आप कंफ्यूज होगे, बट आपको ध्यान रखना है, आप बेसिक बात समझ के रखिए, जो हमने इसके पहले पढ़ा है वो हमें पता होना चाहिए, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एंड डॉलर एट द रेट हैज, राइट। देखो आप परसेंटेज एंड एट द रेट डॉलर हैज, क्या लिखा है भाई, परसेंटेज एंड डॉलर एट द रेट हैज, परसेंटेज एंड डॉलर एट द रेट हैज, ठीक है। फास्ट देखिए, वी और डी है, क्या है, वी और डी है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं, और यहां पर ध्यान दो ये चेंज होगा, ठीक है। अब ये चेंज होगा तो ये भी सही बन जाएगा, तो यहां पर हम क्या रख दें, टी रख दें, और यहां पर हम क्या रख दें, के रख दें, ठीक है, टी और के रख दें। अब डॉलर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना डॉलर चेंज होकर के यहां हो जाएगा परसेंटेज, तो ये चीज बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज बराबर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब V और F, तो देखो V से अगर हमको F जाना है तो बीच में चेक कर लो कौन कौन है भाई, एंड है, परसेंटेज है, परसेंटेज हैज है, ठीक है, एंड परसेंटेज, परसेंटेज हैज, ठीक है, तो एंड है, परसेंटेज, परसेंटेज कौन हैज है, तो एंड और जब परसेंटेज और हैज भी आ गया, ठीक है, परसेंटेज है और हैज आ गया है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट है, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स, कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स, राइट। अब देखो V और V परसेंटेज क्या हो गया, K, V परसेंटेज के है, तो V इधर है और K इधर है, तो V और K के बीच में परसेंटेज तो दो बार आया, एक बार एंड आ गया, तो परसेंटेज एंड में प्रायोरिटी की आप किसको दोगे, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो आपको परसेंटेज को ही देनी पड़ेगी, यहां पर परसेंटेज दिया है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, सही है, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर कंक्लूजन क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन टू बनेगा, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, परसेंटेज देखो आप, परसेंटेज एंड एट द रेट डॉलर हैज, 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 ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फास्ट करते हैं, क्यू है, बी है, के है, बिल्कुल करेक्ट है, डब्ल्यू है और के है, तो देखो डब्ल्यू से आप, W से ही K पूछा जा रहा है, तो K से W कर लो, परसेंटेज का अपोजिट क्या हो गया, डॉलर, तो अगर यहाँ पर K और W रखोगे तो ध्यान रखना उसका अपोजिट क्या है, डॉलर है, यहाँ पर डॉलर रखोगे, फिर भी आप समझ लो यहाँ पर W और K है, तो W और K के बीच में क्या है भाई, हैज है, राइट, और अगर हैज है तो यहाँ डॉलर पूछेगा, देखो हैज है तो डॉलर पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यस और बी दिया है, यस कहाँ है भाई, यस यहाँ है, बी इधर है, यस और बी के बीच में क्या है, डॉलर है और एंड है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डॉलर और एंड है, एट द रेट है, डॉलर और एट द रेट, प्रायोरिटी डॉलर को देंगे, यहाँ यहाँ डॉलर नहीं है, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, एंड नहीं है, डॉलर, डॉलर पूछा है, ओहो ध्यान रखना, डॉलर यहाँ है, एंड डॉलर एक जैसा लग रहा है, यहाँ पर डॉलर है, तो डॉलर आप ध्यान रखना, डॉलर पूछा है तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर एंड है, ठीक है, एंड है, एंड मतलब क्या हो गया, ध्यान रखना बराबर हो गया, तो भाई ये प्रायोरिटी तो इसको देंगे ना, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप देखो क्या यहाँ पर कोई इधर और बनने वाला है, तो यहाँ पर इधर और की पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है, एक जगह यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक जगह आपको एट द रेट मिल रहा है, राइट, एक जगह एट द रेट मिल रहा है, बाकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, क्योंकि हाँ प्रायोरिटी यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि देखो W वहाँ पर है और W से रिलेटेड K है, तो इन्हीं दोनों के बीच में पूछा था, इधर तो नहीं पूछा था, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो गए, राइट, हाँ ये भी तो फॉल्स ही था, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, आंसर क्या बनेगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर टू, ठीक है, तो आंसर कौन सा बन गया, डी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसका आप बना लीजिए, ठीक, देखो कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी क्या है, डॉलर है, एक्स इज नॉट स्मॉलर देन वाई, एक्स इज नॉट स्मॉलर देन वाई मतलब क्या है, ग्रेटर और
इक्वल, राइट, नॉट स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। तो आप इधर रखोगे किसको, डॉलर को, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है, आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो सब में एक्स पहले दिया है, आगे चल के ऐसा भी हो सकता है इधर वाई भी आ सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो देखो हमने लिख लिया यहाँ पर डॉलर लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इट मीन्स क्या है, ग्रेटर। क्या हमने लिख लिया भाई, नॉट स्मॉलर देन, कहाँ लिख लिया, देखो गलत जगह लिख दिया ना, क्या था, नॉट स्मॉलर ना, तो ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, तो इधर लिखना है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है एट द रेट, तो एट द रेट को आप इधर लिख लो, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इट मीन्स ग्रेटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि हैश टैग मीन्स क्यू एक्स इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इट मीन्स क्या है, स्मॉलर, राइट। तो आप यहां पर लिखो, अभी नीचे एक सिंबल दिया है उसका मतलब दिया है x इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वल, ठीक है, इक्वल को बीच में रखना होता है। यहां पर स्टार मींस क्या दिया हुआ है, x इज नॉट ग्रेटर देन y, इट मींस स्मॉलर और इक्वल। तो इसको आप कहां रखोगे, इसको आप यहां रखोगे, ठीक है। ये आपने बना लिया है, एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, यहां पर आपने मेंशन कर लिया ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को नोट करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, राइट। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, ओके। एक बार आप देख लो, ये मैजिक बॉक्स आप देख लो, ठीक है, आपने देख लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ओके। चलो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ओके ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, किसी और क्लास में, ओके, थैंक यू सो मच क्लास।